गुड बाय, बट कोई टॉप इससे पूछता है, मालूम सही लेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक ठाक यार। ये रास्ता कैसा है? रास्ता एक और ऐसा टॉप सा आएगा वहाँ तक तो ठीक है, उसके अलावा बाकी सारा सही नहीं। सही नहीं, बहुत ख़राब है। बाइक से जा सकता है? अच्छा, आराम से जाएगा। वहाँ पे तो उतरना है, वो तो ठीक है। अच्छा, गुड बाय। बट कोई टॉप, और अभी मैं बढ़ रहा हूँ कलाम की तरफ। इंशाल्लाह 2:30 बज चुके हैं, तो किसी ने मुझे बताया ज़्यादा 1.5 घंटे का सफ़र है, तो 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ मिलेंगे रूम और सुबह वहाँ पे लेक है, मोहम्मदन लेक, उसको देखेंगे और फिर वापसी का सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अभी मुझे सुहेल भाई को अल्लाह हाफिज़ कहना पड़ गया, थोड़े से नाराज़ थे, क्योंकि आने से पहले भी मैंने जब डिस्कस करे तो तभी मैंने उनको बता दिया था कि यार मैं इतना लंबा टूर नहीं कर सकूँगा, तक चला जाऊँगा तो फिर मुझे वापस आना है। तो अब ये है कि अब ये थोड़ा सा तो है यहाँ से, तो कैलाश फिर कभी देख लेंगे, तो यहाँ से ज़रा आसान है निकलना और टाइम की भी बचत हो जाएगी, तो बेहतर है कि बंदा यहाँ से निकल जाए। क्योंकि अगर मैं उनके साथ आगे वो बूनी शूनी जाता हूँ तो फिर तो कम से कम 4-5 दिन मेरे और पक्के, और बहुत लंबा हो जाएगा वो, इतना मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास दिन बहुत कम है। मेरी फैक्ट्री खुल चुकी है, मुझे काम करना है, तो ये चीज़ है। बाकी बंदे को अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़ दूसरे की भी, क्योंकि एक बंदे ने आपको आने से पहले ही आपके साथ कह दिया था कि भाई मैं तो इतना लंबा टूर नहीं कर सकता, और फिर आप कह भी रहे हैं कि भाई मैं तो इतना लंबा करूँगा, मैं इतना लंबा करूँगा, और फिर बाद में जैसे मैंने बात की तो वो ऐसे आग बोला होगा। दिस इज़ कोई सेंस नहीं बनती है। चले कोई मसला नहीं, हम अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि कोई मसला मसाइल ना हो। असर और ज़ोर की नमाज इंशाल्लाह इकट्ठी करके पढ़ेंगे, तो वो हुक्म है कि आपको ज़रूरत के तहत कर सकते हैं तो हम करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है, बस ये कि ठंडी हवा यहाँ बहुत चलती है। बस बारिश ना हो तो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। यहाँ रुक जाते गाड़ी, आ जाए फिर जाएंगे। चले अल्लाह तवक्कुल, इसी रास्ते पे चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है, अगर कोई मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर वापस आके वो वाला रास्ता इख्तियार कर लेंगे। फिलहाल तो मुझे 80% यही है कि यही रास्ता है कलाम का। वाह वाह क्या व्यू है यार, जबरदस्त व्यू। अल्लाह करे कि मैं सही रास्ते पर हूँ, वरना फिर खैर अभी इतने ज़्यादा दूर आया नहीं मैं,
इसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कलाम को रास्ता यही जाता है? चलो थैंक यू। यही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। ओह हो क्या बात है यार, वो सामने खेत देखे कैसे बने हुए, माशाल्लाह सुभानअल्लाह। जरूरी है अच्छा होगा दूर हो जाएंगे लेकिन ये गुस्से काफ़ी स्पीड से आ रहा है। ऐसा ही है यार, ये समझा कि उसकी शायद कोई चीज़ गिर गई है तो वो कोई वापस लेने वाला है, ऐसा नहीं है सही इधर ही आ रहा। तो अच्छा है यार, दो बंदे हो जाएंगे फिर। अच्छा अंदाजा नहीं हो रहा कि उतराई आ रही है चढ़ाई है, मैं समझा था चढ़ाई है लेकिन उतराई थी। ये कुछ ज़्यादा बिल्कुल क्लियर हो ना तो उसका अंदाज़ा हो जाता, क्योंकि अब जहाँ से इस एंगल से मैं देखूँगा तो पता चल रहा है कि मैंने उतराई कर। तबाही है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो जा रहा है शायद कोई इसके साथी वाथी रह गया पीछे, तो इनको लेने जा रहा है शायद। ऐसे व्यूज इंतहाई खूबसूरत है यार, माशाल्लाह। हाँ ऐसे ही है, इनकी दोस्त पीछे रह गए थे तो उनको लेने आया है। अब तो आ गए थे फिर वापस आ गए यार, वो इधर मैंने तो दोस्त को छोड़ा था, वो पैदल आ रहा था और दो घंटे से ना हाँ तो वेट कर रहा हूँ, वो वहाँ भी नहीं पहुँचा, यहाँ भी नहीं, रास्ते में भी नहीं। अच्छा चलो मैं अगर रास्ते में देखता हूँ तो बताता हूँ। मैंने कहा मैं अगर रास्ते में मुझे नज़र आता तो मैं बताता। इधर से ही छोड़ा था। अच्छा इधर से वो रास्ते में मुझे तो भी नज़र तो नहीं आए, शायद को लिफ्ट वगैरह ना ले ली हो उन्होंने। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी हैं। अच्छा यहाँ पे सिग्नल तो नहीं है ना? सिग्नल तो नहीं है, चले ठीक है जी। हाँ वही मेरी बात सही था, मेरा अंदाज़ा कि ये कोई अपना इसका दोस्त मिसिंग है, उसको लेने आया है।
सच बताऊं तो मुझे डर नहीं लगा। क्या हो गया, फंस गया क्या? मसला है गाड़ी का। बाइक निकल जाएगा, बाइक निकल जाएगा साइड से। निकल गया गाड़ी में, उनका मसला आया कोई। किधर जा रही है? खतरनाक था भाई। पहले पहले गियर में ही सही है, दूसरे गियर इस्तेमाल हो गया सर। कोई मसला नहीं, थोड़ा देर से पहुँच जाएंगे। ये तो मुझे नहीं मिली थी रात में। दूसरा गियर नहीं लगाना कोई चाहिए, कीचड़ वीचड़ है तो काफ़ी सब। क्या खूबसूरत नज़ारा यार, पर अभी खूबसूरत नज़ारे करो या इस रास्ते को जा रही है। पहले गियर नहीं लगाई, ब्रेक स्कूट नहीं करते हैं तो रुक गई तो स्पीड भी कर रही है। असल में एक तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है टाइम के ऊपर, दूसरा अगर कोई पत्थर आगे आता है तो फिर कोई बाइक रुक जाती है, तो मुझे बहुत नहीं ऐसे। अभी भी पीछे भी ऐसे ही हुआ भी। तो इसका मेरी बाइक का ABS ऑन होता है, ब्रेक पूरी लगती है नहीं ABS। तो ये देखिए ABS की वजह से ये सारा चलिए सिग्नल आना शुरू हो गया। थक गया हूँ। खूबसूरती चेक करें जी, अभी काफ़ी नीचे जाना है मुझे। मेरा ख्याल ये आखिरी उतराई है, इसके बाद कल आम ही है। वो कहाँ से आया हूँ मैं, अल्लाह अकबर। वो देखिए कितने वो पिलाकर अल्लाह की मदद से नीचे आ गया मैं। वो और ये ट्रैक्टर को देखकर जो मुझे खुशी हो रही है ना, उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते आप। क्योंकि ये हमेशा नीचे ही चलते हैं, इसका मतलब कि अभी उतराइयाँ ख़त्म, मज़े शुरू। शहद के डब्बे लगाए हुए हैं हर हर जगह पर, कितना ज़्यादा। ये खालिस तो नहीं होता, खैर
इसके साथ मुझे लोग वो क्या बोलते हैं इसको, सीरा वगैरह बनाकर चीनी का वो भी रख देते हैं, तो उसके अंदर वो खाती हैं और बना देती हैं। क्योंकि असल शहद तो ओए होए, ये क्या हो गया भाई यार, इसने गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी है यार। ओह माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। बंदा बेचारा थक गया। भाई ये कहाँ से आ गई उतराई, और मैं तो समझा था बात बन गई, चलें जहाँ इतना उतर रहे हैं और उतर ले रहे हैं, तो मसला नहीं है। ये देखिए आप कितने बड़े बड़े, अब गिरेगी 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 नहीं गिरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा डेंजरस है यार, बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, इसको थोड़ा इधर चढ़ाते हैं इधर। शुक्र है वो बस बाइक निकल गई उससे, अगर रुक जाती तो फिर मैं गिर जाता। थैंक्स अल्लाह ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और उतराइयाँ हैं, चश्मा वश्मा नजर आए तो मैं रुकूं, शुक्र करूँ अल्लाह ताला का। देनी चाहिए थी अच्छी तरीके से उससे, ताकि वो आराम से जा चढ़ सके। अभी भी नीचे है भाई, अभी भी नीचे है। अभी मैं तो नीचे उतर रहा था तो मुझे कश्मीर का एक लड़का मिला, सैफुल्ला भाई था उनका नाम। बस ऐसे गपशप होने लगी तो उन्होंने गोप्रो तो लिया था बीच, लेकिन अभी उनको कोई सेटिंग वेटिंग उसकी नहीं आती थी। मुझे कहता यार ये करके दो, वो थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजारा, काफ़ी अच्छे आदमी लगे मुझे। तो अभी फिर से मैंने सफ़र अपना स्टार्ट कर दिया। सड़क तो ऐसी ही, पता नहीं कितने दिन से मैं ऐसी सड़क पे चला रहा हूँ, तो मसला नहीं है मेरे लिए। जांगरा का गांव खूबसूरत है माशाल्लाह, कोई रास्ते ऐसे ही हैं साथ, ताज़ा ताज़ा सब्जी लगाई है, अपने कौन सी लगाई। वाह जी वाह, खेतों में काम हो रहा है। छोटे छोटे खेत हैं तो फिर उनको तकरीबन हाथ से ही काम करना पड़ता है, क्योंकि छोटे खेत के लिए मशीनरी तो अफोर्ड नहीं बंदा कर सकता। कलाम कितनी दूर है? कलाम 10 किलोमीटर। सही,
वही 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 कालाम 10 किलोमीटर, अगर ये इसी तरह का रास्ता रहा तो कम। भाई कालाम इधर है, इधर है कालाम, इधर है। हाँ कुमराट से आया हूँ, गलत आ गया मैं। ओए होए होए वापस जाऊँ? हाँ अच्छा चले सही, मेहरबानी। बोलते आप गलत आ गए हो, अभी उस भंडारे में से फिर गुजरना पड़ेगा यार। इनसे पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है यार। कलाम का रास्ता किधर है? कलाम का? हाँ कलाम जाना है। सीधा है ये? सीधा कुमराड़ का रास्ता है। नहीं कुमराड़ से तो मैं आया हूँ। हाँ तो सीधा जाओ, ये चढ़ाई नहीं है। हाँ हाँ इसे सीधे जाओ। चलो ठीक है, मेहरबानी। ये मुझसे मिस्टेक हुई है, उधर से मैं लेफ्ट साइड को मुड़ गया अंदर गांव की तरफ, बल्कि मुझे सीधा ही आना था। लो जी अथरोड से निकल गए हम, पहुंच रहे हैं। हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम, खैरी से? क्या कलाम जा रहे हैं? कलाम का रास्ता सीधा रास्ता। ठीक मेहरबानी। अथरोड है? अथरोड तो ये नहीं था? हाँ? अथरोड ये नहीं था पीछे? अच्छा अच्छा ये गांव अथरोड का? सही सही, ये अथरोड है, थोड़ा आगे कलाम है, थोड़ा सा दूर है। चल ठीक है मेहरबानी। ये रास्ता है कलाम का। ओए होए ये तो बड़ा टफ है यार। ओए होए होए अबे गिरने लगे था। बिस्मिल्लाह रहमान। शुक्र है वो साफ सुथरी सड़क भी आई, पहली दफा तीसरा गियर लगा रहा हूँ सुबह से, तीसरा गियर पहली दफा लग रहा है। गया भाई रोड आ गया, रोड आ गया। हाय अल्लाह, यहाँ कोई मस्जिद ढूंढ के नमाज पढ़ लूँ पहले यार, बड़ी मसला बात है। 6:30, 5:30 मेन गांव या मेन बाजार अथरोड का यही है। समोसे खाते हैं जैसे समोसे। समोसे मैंने ले लिए हैं दो, अब इनको कहीं साफ सुथरी जगह पर जहाँ पर पानी हो वहाँ बैठ के खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये किस चीज़ का दरख्त है यार? कन्नई गांव के पास बंदा बोल रहा था सड़क अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन ठीक है, कम से कम बंदा 20-25 की स्पीड से जा सकता है। और कलाम यहाँ से है 9 किलोमीटर दूर, और बस इतना ही था टुकड़ा अच्छा। यहाँ तो बिल्कुल डैमेज है और मेरा ख्याल है ये बहुत लूज़ रॉक्स हैं, किसी टाइम भी नीचे धुड़म से आ सकती हैं। तो यहाँ से जल्दी जल्दी मूव करते हैं, इसी वजह से ये सड़क ख़राब है कि ये बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर, शुक्र है।
ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे भी पानी है, इधर पानी। वाह, इनको चाहिए या पुल बना दे, बड़ा सा दीवार बना के और पुल बना दे। आगे एक और गाड़ी खराब हुई पड़ी है, वो तेरी तो इतने बड़े खड्डे। अल्लाह अकबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही वेलकम किया का कलाम तो आ गया, बिल्कुल जी कलाम आ गया। 2012 में मैं यहाँ आया था, तब मैं स्कूल के ट्रिप के साथ आया था। मोहल्ला जानाबाद, अभी कोई देखते जी, अभी रूम का कोई आए नहीं है, इसके बाद रूम ढूंढेंगे कोई अच्छा सा, बस जिसमें गर्म पानी मिले, मेरे लिए ये काफ़ी है, क्योंकि मैं नहाना चाहता हूँ। आज चौथा दिन है, पांचवा मैंने नहाया नहीं, तो हाँ इनफैक्ट चौथा दिन आज। मौसम देखें जी कलाम का, बादल। वाह यार जबरदस्त चोटी है, चार्टबर्न रोड कलाम। ये है जो टेंट जहाँ पे भाई दोस्त बोल रहे थे, लेकिन चूंकि मुझे टेंट में नहीं रुकना, मुझे रुकना है गेस्ट रूम में। सलाम, सलाम, क्या हाल है जी? ज़बरदस्त यार, ये गेस्ट रूम चाहिए मुझे, कोई कमरा, कोई कमरा शमरा चाहिए, कोई ज़रा मुनासिब सा मिल जाए। हैं नहीं, टेंट में नहीं है, टेंट में रह रह के थक गया हूँ मैं, अभी नहाना धोना भी है। हैं इस तरफ है, ये सामने है। अच्छा, वो ज़रा महंगे तो नहीं, ज़रा महंगे तो नहीं? नहीं इधर महंगी नहीं है। अच्छा, पीछे जाऊं या आगे जाऊं? आगे चेक कर दिया, आगे चेक करके हो पहले। अच्छा अच्छा, पीछे जाते हैं जी, पहले पता करते हैं क्या रेट्स हैं, और वो मुनासिब रेट में मिल गया तो वहीं ले लेंगे। यार क्या भाग दौड़ करनी, ज़्यादा 2-2.5 हज़ार में मुनासिब है मेरे हिसाब से तो। यहाँ आया हूँ जी मैं, कह रहा है मैं पता करके बताता हूँ आपको, मैं ये मिल जाए तो कोई मसला नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम। बाल्टी के साथ क्या, बाल्टी के साथ नहा लूँ? वो बाल्टी गर्म कैसे होगी? ऊपर मिलेगा, रेट ज्यादा है इसका। समझ से बा,
ऊपर हमारे इंस्टेंट गीजर लगी हुई है ना, हाँ लेकिन मसला ये है कि ये इंस्टेंट गैस पे चलता है, ये अच्छा। यार बहुत महंगा है, तकरीबन 400 से ऊपर पर के जी। अच्छा इसलिए हम उसका आप रेंट, चलो उसका आप रेंट 2000 ले लो, मैं से 500 बढ़ा देता हूँ। और बताओ स्टे एक दिन जाए, हो सकता है मैं 2 दिन करूं, लेकिन फिलहाल मेरा 1 दिन का, लेकिन हो सकता है कर सकते हैं, कल हमारे पास पे बुकिंग है वो इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, 1 दिन का सही है, लेकिन पानी मेरे को गर्म चाहिए ना, तो आपका गीज़र बंद हो। ये जी इस होटल के अंदर मेरा कमरा बुक हो गया 2000 में, पानी वानी बराबर गर्म मिलेगा, और देखते हैं ये भी क्या करना है। और हमने अंदर अंदर ये बड़ी है वो वाली निकालनी पड़ेगी तुझे, अभी आपने बाजार भी जाना है, इधर ही कोई कर रहे हैं। हाँ सही है सही है, बस यहाँ सेफ है ना मसला। हाँ बस सही है। वालेकुम एंड गुड इवनिंग, अलमगढ़ से मैं बटगोई टॉप से नीचे कलाम में पहुँच गया हूँ, और यहाँ मैंने एक रूम ले लिया है, पानी वानी गर्म मुझे मिल गया, मैंने नहा लिया है, तो अभी इंशाल्लाह यहाँ रेस्ट करेंगे, रात का खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, और सुबह मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी अर्ली राइड स्टार्ट करूँ इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी है कि इस्लामाबाद में कल पहुँचूँ, और फिर मेरे पास टोटल 4 दिन होंगे इस्लामाबाद, और वहाँ मुझे थोड़ा सा काम है, और फिर देन मुझे कराची जो है हर सूरत जो है पहुँचना है 9 तारीख तक। तो ये इसी वजह से मैंने अपना टूर को भी थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। तो ये था जी आज की सारी कहानी, और इंशाल्लाह सुबह अपनी राइड स्टार्ट करेंगे। मैं हूँ इस टाइम कलाम में, और अभी सूट खा लिया मैंने, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए आज। बटगोई की सर्दी को ख़त्म करने के लिए यही एक तरीका था मेरे पास।